दुनिया को शांति, त्याग और राम राज्य का पाठ पढ़ाने वाले पवित्रतम धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी करने और जलाए जाने को लेकर भारतीय आवाम पार्टी के सुभाषवादी कार्यकर्ताओं में गहरी नाराजगी है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नजमा परवीन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लम्हे के मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार पर प्रदर्शन किया, श्री रामचरितमानस को सर पर रखकर सर्वोच्च सम्मान दिया। हाथों में मुस्लिम महिलाओं ने तख्तियां लेकर संदेश दिया कि किसी धर्म का अपमान अब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। भारतीय आवाम पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नजमा परवीन ने कहा कि भारत में जब किसी का नया मकान बनता है तो मानस का अखंड पाठ करवाकर गृह प्रवेश करता है। श्री रामचरितमानस दुनिया का पवित्रतम धर्म ग्रंथ है। ये सिर्फ सनातन धर्म के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के प्रत्येक नागरिकों के लिए उपयोगी है। घर परिवार से लेकर देश चलाने तक की शिक्षा इस ग्रंथ से मिलती है। मानस पर टिप्पणी करने वाला स्वामी प्रसाद अधर्मी और पापी है, उसके पापों की सजा ईश्वर अवश्य उसे देगा। आज स्वामी प्रसाद को जेल भेजकर संपत्ति जब्त नहीं की गई, तो कल सारे धर्म ग्रंथों पर सवाल खड़ा करने वाले पापियों की बाढ़ आ जाएगी, देश दंगे की आग में झुलस जाएगा। स्वामी को नारी की बड़ी चिंता है। जिस दल ने बहन मायावती का घोर अपमान किया था और मारने की साजिश की थी, ये तो उसी की गोद में बैठा है। अखिलेश यादव ने स्वामी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका प्रमोशन कर भारत के लोगों को यह संदेश दे दिया कि जो भारतीय धर्म ग्रंथों का अपमान करेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। मुसलमानों से अपील है कि स्वामी प्रसाद का बहिष्कार करें, अन्यथा धर्म ग्रंथ के अपमान की आग उनके घरों तक भी पहुंच जाएगी। योगी जी तत्काल इस मामले पर सख्त कार्रवाई करें। मुस्लिम महिलाओं की नेता नाजनीन अंसारी ने कहा कि जिसने श्रीरामचरितमानस को पढ़ा नहीं वह अशोभनीय टिप्पणी कर रहा है। विदेश से पैसा मिला होगा तभी ये देश में हिंसा और नफरत फैलाने की साजिश कर रहा है। भगवान श्रीराम सिर्फ भारतीय भूखंड के नहीं बल्कि अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं। उनका नाम भी काफी है, भव सागर पार लगाने के लिए। राम सबके पूर्वज हैं, धर्म बदलने से पूर्वज नहीं बदलते। स्वामी प्रसाद के बयान को सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान में लेकर इसको दंडित करे। स्वामी प्रसाद मुर्दा पार, स्वामी प्रसाद का बहिष्कार करो, स्वामी प्रसाद का बहिष्कार करो, स्वामी प्रसाद मुर्दा पार, स्वामी प्रसाद को जेल भेजो, स्वामी प्रसाद मुर्दा पार, मुर्दा पार, मुर्दा पार। नाजनीन अंसारी, नेशनल सदर मुस्लिम महिला फाउंडेशन। किस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? आज हम लोग यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंक रहे हैं और इस बात का विरोध दर्ज करेंगे जिस तरह से उन्होंने रामचरितमानस के बारे में अनर्गल टिप्पणी की है और इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। क्योंकि हम चाहे किसी भी धर्म जाति के मानने वाले हों, चाहे किसी भी मजहब को मानने वाले हों, हम सबके पूर्वज एक है। इस नाते रामचरितमानस हम सभी का पवित्रतम ग्रंथ है और इस अपने पवित्रतम ग्रंथ के बारे में हम किसी भी तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को दंगा भड़काने के, धार्मिक भावनाओं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन पर रासुका लगाई जानी चाहिए, उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय आवाम पार्टी, आज हम लोग ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका। उन्होंने रामचरितमानस का जो अपमान किया है उसके विरोध में हम लोग ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका है। उन्होंने जो धर्म ग्रंथ का अपमान किया है उसके विरोध में हम लोगों ने यह पुतला फूंका है और भारत की जनता बहुत ही आक्रोशित है। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी मांग की है कि उनके जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनकी सारी संपत्ति जब्त की जाए और उन्होंने सरकार से भी ये मांग की है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जल्द सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आज उन्होंने एक धर्म ग्रंथ पर सवाल खड़ा किया है, उसकी आग बहुत जल्दी दूसरे धार्मिक ग्रंथों पर भी खड़ी होगी और मुस्लिम भाइयों से भी मेरी यही अपील है कि इन दलों का साथ छोड़े, स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ छोड़े, नहीं तो आज उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल खड़ा किया है, कल वो इस्लाम धर्म के धार्मिक ग्रंथों पर सवाल खड़ा करेगी। ऐसे में मुस्लिम भाई सचेत हो जाए, नहीं तो ये आग उनके भी धार्मिक ग्रंथों पर फैलेगी और हमारे धार्मिक ग्रंथों पर ये आग ना फैले, ऐसे में मुस्लिम भाइयों को भी सचेत होना चाहिए और उन लोगों का साथ छोड़ना चाहिए। सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले।